हमारा लंच बनके तैयार, सोयाबीन की खिचड़ी। तो चलिए आइए अब हम कर लेते हैं लंच। और ये देखो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है तो पशुओं को जो ऐसे चराने के लिए छोड़ते हैं और फिर से ना बारिश जो वो स्टार्ट हो गई है। ये दिखाती हूँ चारों साइड, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बादल ही बादल बने हुए हैं, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है। और कल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, देखो पानी टपक रहा है ऊपर से और ना ऐसे हवा चल रही है लगातार। ये देखो मौसम बहुत ठंडा हो गया है और ये पानी में भीग चुकी है, सब सोए हैं, सब बच्चे सोए हैं बट एक ये उठी हुई है। ये देखो अभी टाइम हुआ है 6 o'clock। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं पूर्णिमा स्वागत करती हूँ आप सबका देवभूमि हिमाचल के एक बहुत से छोटे से खूबसूरत गांव से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कल से बहुत लगातार बारिश हो रही है और अभी टाइम हो गया है 6 बज गए हैं, अभी हम सो के उठे क्योंकि बहुत बारिश हो रही है यहाँ ना, मौसम इतना ठंडा हो रहा है। पारस तो अभी सोया लेकिन प्रीशा जो है वो उठ गई और वो लगातार बारिश में इतना भीग रही है बाहर और ना ठंड हो गया, ऐसे बहुत ठंड लग रही है। तो अभी सुबह का टाइम, झाड़ू लगाना था मैंने बट आंगन जो है ना बहुत गीला हो गया, अब अंदर अंदर से झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि आंगन में तो पानी ही पानी हो रखा है। और फिर अब हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बनेगा। तो चलिए मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ, इतनी बारिश हो रही है, बहुत ठंडा हो गया मौसम, ऐसे ठंड लग रही है। तो अब जाएंगे हम किचन में, किचन में जली आग, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे फिर आगे का जो हम काम करेंगे। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा, आज हमने जला दी आग और ना बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंडा मौसम है। थोड़ी देर आग सेकेंगे फिर बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट। और ये लड़की अभी उठ गई है सो के, इसके चले आजकल टेस्ट। तो ये देखो फ्रेंड्स सामने पहाड़ियों में ना बर्फ़ पड़ रही है अभी फिर से, जैसे बारिश हो रही है तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। तो यहाँ पे बन रही हमारी चाय इलायची वाली, चलो खाओ जल्दी। अच्छी की गंदी हाँ यम्मी। आज का हमारा ब्रेकफास्ट चाय और पहाड़ी आलू। और यहाँ पे ना आलू बहुत ज्यादा हो रखे हैं अपने घर के, तभी हम ना ज्यादातर आलू की सब्जी बनाते। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट, चलिए हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ये है फ्रेंड्स मक्की। और ये प्रीशा ना अपने आप ही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गई थी, इसको जरा डर नहीं लगता लेकिन मुझे बहुत डर लगता है इसका गिरने का, ये रूम में तो जरा भी नहीं रहती है। और यहाँ पे इसने इसको सारा इकट्ठा कर दिया था, तो इसको मैं थोड़ा सा फैला के, क्योंकि इसको ना यहाँ पे सूखने के लिए डाल के रखा हुआ था लेकिन इसने इसका पूरा इधर उधर कर दिया था। ये रहा ना कपास। ओके चलो, ये हमारी HRTC की हिमाचल की बस, बोले इसे पर्स हो सकती थे नीचे बस बाय करो नीचे नीचे से ला, जा नीचे, उतर नीचे, देखिए। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया फ्रेंड्स और अभी हम जा रहे हैं गाय के पास, तो चलते हैं। चलिए आपको भी लेके चलते हैं, गाय को घास पानी देंगे और उसका जो गोबर है वो भी साफ करने को है। और फिर से ना बारिश आ रही है, तो फिर से इससे पहले कि बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए तो सारा काम जो फिनिश कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं। कहाँ जा रही है बेबी? कौ के पास। कौवा भी है, कौ वहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी है टू, हाँ टू कौ बेबी को लग गया पता। तो यहाँ पे ना आजकल गेहूं की कटाई हो गई है तो पशुओं को जो ऐसे चराने के लिए छोड़ते हैं और फिर से ना बारिश जो वो स्टार्ट हो गई है।
प्रीशा को बहुत ज्यादा सो के काऊ 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 पूरा दिन ये काऊ काऊ करती रहती है ना, पूरे दिन। तो इसको मैं लेके आ गई हूँ, गाय को हमने छोड़ दिया चराने के लिए। तो ये जा रहे अभी गाय का गोबर फेंकने। ये थोड़ी सफाई कर लूंगी यहाँ पे, पानी जो है वो आ गया है और नलका जो है ना हमें 9 बजे के बाद ही आता है। बेबी गिल्ली हो जाएगी, हटो यहाँ से। देखिए जरा नहीं मानती है। तो फ्रेंड्स अभी गाय के पास से मैं आ गई हूँ काऊ के पास और पूरी बारिश को नहलाऊंगी। बारिश होना जो शुरू हो गई और सामने पहाड़ियों में तो लगातार जो वो बर्फ पड़ रही है। हाँ यार मौसम बारिश हो रही है मम्मा, बार बार क्यों हो जाती है। चलो कपड़े चेंज करो, वो देखो सामने पहाड़ियों में ना बर्फ पड़ रही है। तो जूम करके दिखाती हूँ, अभी नहीं दिख रहा है, अभी साफ नहीं आएगा कुछ भी क्योंकि पूरी तरह जो अंधेरा हो चुका है। और अभी पारस की करोगे भी ढाई ढाई। चलो खोलो कपड़े अभी भैया की। फिर से ले अंदर, मैं अब चली खींचना। पानी में बारिश में और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है। ये देखो आवाज भी आ रही होगी आप बारिश की ऊपर से, क्योंकि ऊपर जो है ना ऐसे स्लेट डाले हुए हैं तो उसमें आवाज आ रही है। तो बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में और यहाँ पे ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो क्यों ना हम सोचने आज खिचड़ी बनाए। तो खिचड़ी हम यहाँ पे बनाएंगे सोयाबीन की। तो इसको मैं पहले बॉइल कर लूंगी और सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बहुत लेट हो गई हूँ तड़का लगा के। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करूंगी मैं कैसे बनाऊंगी। तो ये देखो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो है ना पानी ऐड कर लिया। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें ना ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी क्योंकि बाद में अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे। और इसको मैं ना आप 3-4 सीटी जो लगा लूंगी, इससे ज़्यादा ओवर कुक हमें इसको नहीं करना है क्योंकि चावल के साथ भी पकेगी। मैंने एक प्याज और ये है लहसुन, इसको मैं ना ऐसे मोटे मोटे पीसेस में काट लूंगी क्योंकि इसको फिर मैं पीसूंगी सिल बट्टे में। तो चलिए प्याज और लहसुन जो है काट लिया है और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर फिर से इतनी भयानक इतनी जोर की बारिश पड़ी हुई है, ये देख सकते हो आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। और उस साइड तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है। तो चलिए इसको जो फ्रेंड्स मैं खिचड़ी बनाने के लिए चावल यूज़ कर रही हूँ ना, वो हमारे लोकल है, देसी हैं, घर के हैं, दुकान के नहीं हैं। इससे जो है हमारी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मैं इसको थोड़ी देर ना पानी में भी गा लूँगी ताकि इसका जो गंध है ना, जो इसमें वाइट वाइट होता है बहुत ज़्यादा, जो हमारे घर के देसी चावल होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा गंध निकलता है, तो ये जो है अच्छे से पानी में धुल जाए। और फिर मैं इसको अच्छे से बाद में 2-4 हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने जो प्याज जो ना पीस के रखा था ये भी इसमें मैं ऐड कर लूँगी। जी हाँ पापा को बोलो। मैंने अदरक और लहसुन जो है वो पीस लिया है, अदरक नहीं लिया मैंने, लहसुन डाला। वैसे भी सोयाबीन जो बहुत गर्म होती है तो इसको मैं अच्छे से फ्राई होने दूंगी। और जो तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रेडी, अब इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। वीडियो बनाने में सॉरी, ओ डीना ट्राईपॉड के
साथ में ऐड करूँगी हल्दी, और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और थोड़ी सी ये पीसी हुई मिर्च हल्की सी ऐड करूँगी क्योंकि बहुत ही तेज़ है। मैं यहाँ पे ऐड करूँ इसमें किचन किंग मसाला, ये हमारी सोयाबीन जो मैंने बॉईल कर ली थी, और ये ना बहुत टेस्टी होती है जो देसी सोयाबीन है हमारे घर की। तो फ्रेंड्स इसमें ना मैंने चावल ऐड कर लिए हैं, और मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा है बिना ट्राईपॉड के, कैमरा पकड़ा ही नहीं जा रहा है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी, यही ये वही पानी है जो मैंने सोयाबीन का जो था वो बॉयल करके पानी अलग ड्रेन कर लिया था, उसका पानी है ये। देखो एक हाथ से नहीं होता है, कैसे एक हाथ से, और मेरे से तो होता ही नहीं जरा भी, और ना सिर्फ खाना बहुत लेट हो गया हमारा। धनिया ये देखो इस तरह से, और अब इसमें मैं जितना मुझे और पानी की ज़रूरत होगी मैं उतना ऐड कर लूँगी। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एक देसी घी की चम्मच। तो ये देखो अब मैं कुकर चढ़ा के इसको, ज़्यादा नहीं, ये घर के चावल है जल्दी पक जाएंगे, एक दो सीटी लगाऊंगी बस। ये देखो फ्रेंड्स फिर से बारिश होगी, और ये है हमारा लंच बनके तैयार, सोयाबीन की खिचड़ी। तो चलिए आइए अब हम कर लेते हैं लंच, और ये देखो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो ये है हमारा लंच, तो ये देखो अभी धूप जो यहाँ पे फिर से स्टार्ट होगी। तो अभी हम जा रहे गाय के पास, गाय को घास देने और पानी, और धूप देखो एकदम से मौसम कैसा चेंज हो गया। मेरे को प्रीशा के पजामा उन्हें इस साइड डालने पड़ेंगे, इस कपड़े सूखेंगे नहीं। तो ये देखो सुंदरी जी बड़े आराम से सोई हुई है, बड़े मजे से, और कितना घास ये वेस्ट करती है। मैडम पारस देना पड़ता है, और ये सुंदरी, हाँ तोता का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है सुंदरी, पारे का बड़ी का नाम मुझे नहीं पता क्या है, पर इसका नाम है सुंदरी, और ये है भी सुंदरी है, क्यूट सी है, ऐसी क्यूट सी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इनको पिला रही थी पानी, और 3:30 बजे का टाइम था, इनको जो है वो घास भी डालना था, तो ये पानी पी नहीं रही थी क्योंकि मौसम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। और यहाँ पे मैंने कैमरा पकड़ाया पारस को, मैं दिख रही हूँ, दिख रही है वीडियो में। तो लंच हमने अभी कर लिया फ्रेंड्स, और लंच करने के बाद सफाई वगैरह बर्तन हमने सब कर लिया है। और अभी ना यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल धूप लगी हुई है, एकदम से यहाँ पे बारिश हो रही है, एकदम से यहाँ पे धूप हो रही है। और देखो तो ये देखो अभी धूप जो यहाँ पे फिर से स्टार्ट होगी, ऐसा मौसम हो रहा है यहाँ पे। अभी करूँगी मैं वीडियो का एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।